वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी रहमत के साए तले रखे। जी आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, जो चावलों के साथ और रोटी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताएगा। जी मैंने एक डेगची में ऑयल डाल के हसबे ज़रूरत उसमें 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के मैंने डाल के और उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। और उसको ब्राउन नहीं करना है, ना उसको बहुत कच्चा छोड़ना है ना ब्राउन। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो फ्रेश पेस्ट बना के डाल दें या आपके पास फ्रिज में रखा हुआ है वो डाल दें। फ्रेश यूज़ करेंगे वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सब्ज़ी में ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ अदरक लहसुन बहुत मज़ेदार लगता है। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, ये डाल दूंगी मैं। हसबे जायका आप नमक और लाल मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी हसबे जायका लाल मिर्ची और नमक ऐड कर किया था इसमें। गरम मसाला मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, वो तो आपको पता है कम ही डाला जाता है। हल्दी इसमें मैंने आधी चाय की चम्मच डाली थी, आप चाहें तो 1 डाल सकते हैं, क्योंकि कभी हल्दी का भी फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कभी बहुत लाइट होता है, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोग हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। असल मेरा मकसद है आप लोगों को तरीकाकार बताना कि मैं किस तरीके से आलू मटर का सालन बनाती हूँ घर में। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और ताकि इसे मज़ीद ये पक जाए और इसके जो टमाटर और प्याज हैं वो एक जान हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया था, कवर करके जो पानी आपके सामने मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, और ये हल्की आंच पे रख दिया था ताकि ये टमाटर और प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो मैं उसको स्पून से मैश कर लूँ। अब ये देखिए मैंने स्पून से इसे मैश कर लिया, ताकि जब ये इसका हम शोरबा या ग्रेवी बनाएंगे तो वो एक टमाटर प्याज लहता लहता नज़र नहीं आएगा, ये पेस्ट नुमा बन जाएगा, तो अच्छा थिक सा गाढ़ा सा शोरबा सा बन जाएगा और ये हर चीज़ सेपरेट नज़र नहीं आएगी हमें सालन में। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी जो मैंने बारीक काट के रखे थे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस साइज़ के आप काटने चाह रहे हैं आलू। वैसे मैंने ये जो साइज़ आप देख रहे हैं इस साइज़ के काटेंगे तो वो आलू मटर के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। ये 1 केजी मैंने लिया है, आप चाहें तो 1.5 किलो या 1/2 केजी अपने हिसाब से, जो आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप फिर आप मसाले और ऑयल वगैरह डाल लीजिएगा। ये मेथी है, मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया और उसको अच्छी तरह 4 से 5 बार पानी में धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसे बहुत अच्छी तरह धोया जाता है। अगर ज़रा भी इसमें मिट्टी रह गई तो सारा मेथी का मज़ा ख़राब हो जाएगा और आपका सालन ख़राब हो जाएगा, उसमें मिट्टी के ज़र्रे जैसे आ जाएंगे। तो
तो इसे बहुत अच्छी तरह वॉश करना है कटिंग करने के बाद। ये मैंने 2 कप लिए थे, 2 या 2.5 कप या 3 कप आप डाल सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है इसका कि बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी। आप अगर चाहें तो 1 कप भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1 किलो आलू के अंदर मैंने 2 कप मेथी डाली है तकरीबन। अब मैंने इसमें इतना पानी ऐड कर दिया है कि ये आलू हैं वो 70% तकरीबन गल जाए। 60-70% हमने इसको गलाना है, क्योंकि इसमें मटर भी ऐड करना है तो थोड़ी देर उसके साथ भी पकेंगे तो ये कंप्लीट 100% गल जाएंगे। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि 70-60% गल जाए। ये जी हमारे आलू तकरीबन 60-70% गल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 kg मटर डाले हैं और अब मैं इसको भी मज़ीद थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि ये भी 20% आलू जो हैं क्या कहते हैं मटर के साथ भी गल जाएंगे। मटर तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट में या 10 मिनट में आई थिंक हो जाते हैं। जी ये देखें, ये हमारी सब्ज़ी तकरीबन रेडी है। सब्ज़ी में जो थोड़ा सा पानी रह गया है इसी पानी में मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूँगी, साबुत ग्रीन चिली। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मुझे इसका खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको साबुत 3-4 अदद मैंने डाली हैं खुशबू के लिए और जायके के लिए। आप चाहें तो नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। ये मैंने हरी मिर्च डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ा ढक दिया था ताकि हरी मिर्चों की भी खुशबू सालन में अच्छी तरह आ जाए। जो मैंने मटर और आलू को गलाने के लिए पानी थोड़ा सा ऐड किया था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे राइस के साथ इसे सर्व करना था, इस वजह से मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल के थोड़ा सा पका लिया ताकि ग्रेवी बन जाए। ये जी हमारा सालन आलू मटर का रेडी है, हम चावलों के साथ इसे सर्व करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।